जी जी। अब जौनपुर का रण में जो है मोदी जी कूद गए हैं, अमित शाह आ रहे हैं, योगी जी कल आ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं, कैसे सामना करेंगे अब योगी जी का? जी सामना आपको खुद समझ में आता होगा कि हर यहाँ की पब्लिक से आप पता करेंगे तो सब लोग पूरी तरह से उनको जुमलेबाज कह रहे हैं। अब योगी जी कितना संभाल पाएंगे जब पूरा उनका देश के जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। आपको पता है जितने दूसरी पार्टी के भ्रष्टाचारी नेता हैं उनको अपनी पार्टी में लेने का काम कर रहे हैं, तो जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। आप 73 लोकसभा जौनपुर की बात करेंगे तो ये एक चीज़ बताइए, मैंने बार बार कहा हूँ कि योगी जी इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ की जनता डिसीजन लेगी। देखो भीड़ करना एक अलग बात है, कृपा शंकर सिंह जी भ्रष्टाचार करके कांग्रेस से आए हैं और यहाँ पे वहाँ पे मिनिस्टर हैं, यहाँ पे वापस मिनिस्टर बनना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कोई इनको स्वीकार करेगा? आपको लगता है कि बसपा में रहे बाबू सिंह कुशवाहा उनको कोई स्वीकार करेगा? आपको लगता है श्याम सिंह यादव इसके पहले सांसद उनको कोई स्वीकार करेगा? सारी जनता यहाँ नकार रही है और गन्ना किसान को पसंद कर रही है, सबको लग रहा है कि किसान है तो देश का भला होगा। इसलिए मैं किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ, आज इस सभा में बैठा हूँ। सारे पब्लिक से आप पूछ लीजिए, सब लोग गन्ना किसान पे 25 तारीख को सुबह सुबह जाके गन्ना किसान के सामने का बटन दबा रहे हैं और गन्ना किसान को विजयी बना रहे हैं। गन्ना किसान जीतेगा तो सारे जौनपुर जिला जीतेगा, जिला जीतेगा, पूरा देश जीतेगा। क्या मुद्दा लेके जाएं अंदर विचार? मैं लेके जा रहा हूँ कि जो भाई किसान है, मैं तो सबसे पहले इन किसानों को कहा मैं जीतूं या हारूं, 60 साल के ऊपर के जो किसान हैं उनको पेंशन देने का काम मैं अपनी पार्टी की तरफ से करूंगा। मेरी पार्टी रजिस्टर पूरे देश में, हमारे चुनाव लड़ रही है, और मैंने ये कहा उनको कि एक साल में यूरिया पूरी तरह से फ्री करने का काम करूंगा किसानों के लिए। मैं ये कहा हूँ नौजवान हैं जो उनको रोजगार देने का काम करूंगा। मैंने ये कहा इनको कि जो गन्ना मिल बंद है शाहगंज में उसको खुलवाने का काम करूंगा। मैंने ये भी कहा इनको कि जो ओवरब्रिज है जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या होती है उसको ओवरब्रिज में कन्वर्ट करने का काम करूंगा, ओवरब्रिज बनवाने का काम करूंगा। मैंने ये कहा कि इंडिया लेवल पे भारतीय स्तर पे जो यहाँ का खेल का मैदान नहीं है जो उन पर वो लाने का काम करूंगा। मैं जीतूँ या हारूँ कुछ शर्तें ऐसी हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ, समाज विकास क्रांति पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे हक है इन सारी सुविधाओं का देने का जौनपुर जिले में, तो मैं दूंगा। इसलिए जनता जानती है चुनाव चल रहा है आपके अपने क्षेत्र पे जौनपुर सदर से, जौनपुर सदर लोकसभा से 25 मई को मतदान है, मुद्दा क्या रहे, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम गन्ना किसान को वोट देंगे। क्यों गन्ना किसान पे जा रहे हैं, क्या वजह है? वजह है अपने क्षेत्र के हैं, बढ़िया हैं, अच्छा लग रहे हैं हम लोग के, हम गन्ना किसान को देंगे। अभी आप लोग मिलने में आते हैं कि चुनाव? हाँ हाँ बराबर आते जाते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद वहीद।